हेलो, नमस्ते दोस्तों। मैं बना रही हूँ आज आलू का परोठा। यो मैंने आलू ले लिया, यो आटा ले लिया, 3-4 आलू छिल के रखा था और धनिया डाल रखा था उसमें, और उसमें डाल रही हूँ नमक और जितना स्वाद अनुसार नमक डाला है। उसके बाद उसमें मैं डाल रही हूँ हल्दी पाउडर, उसके बाद डाला धनिया पाउडर, उसके बाद जीरा पाउडर, उसके बाद गरम मसाला, उसके बाद लाल मिर्च पाउडर डाला है, और उसके बाद मैं आटा ले ली, आटे लेने ले थोड़ा सा तेल डाल दी, और तेल डालने के बाद थोड़ा नमक डालने के बाद मैंने मिक्स कर लिया आटा को, आटे को। उसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ मैं। उसके बाद उसमें थोड़ा थोड़ा पानी करके गूंथूंगी मैं। एकदम कड़क भी नहीं लगाना है, सॉफ्ट भी नहीं बनाना है। थोड़ा थोड़ा करके मैं आटा गूंथ रही हूँ। उसके बाद मैंने आटा गूंथ लिया है, देखो थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ा तेल लगा के मैंने मसल लिया है। उसके बाद आलू ले ली मैंने, आलू को मैं मिक्स कर रही। मैंने 4 जन के लिए ली थी, 4 आलू ली थी, आप अपने फैमिली के हिसाब से ले लीजिए। साथ में मैं इधर उधर मेरे बच्चों को देख रही थी, क्या कर रहे क्या नहीं, ये लोग नहाने के लिए बोली थी नहाया कि नहीं, देख रही थी। आलू देखो मिक्स हो गया, देखो। फिर मैं उसमें से लोही तोड़ ली, उसमें 8 सूखा आटा लगा ली। फिर क्या बोलते हैं इसको, पाटी बोलते हैं हम लोग, आप लोग क्या बोलते हो पता नहीं। फिर बेलन से बेल रही हूँ। पूरा बेल के हो जाने के बाद फिर इसमें मैं लगाऊंगी आलू, डालूंगी इसके अंदर मैं आलू डालूंगी। फिर मेरे से फटाफट नहीं होता, धीरे 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 ही काम करते हैं मैं। जल्दी जल्दी करोगे तो कुछ ना कुछ बिगड़ ही जाता है। इसमें देखो आलू डाल दिया मैंने, आलू डाल के ना ऐसा चौखट जैसा बना रही हूँ मैं, चौखट बनाई। आप अपने मन पसंद के हिसाब से आलू डाल लीजिए। मुझे हम लोग का मुझे और बच्चों को, बच्ची इनके पापा को ऐसा आलू ज़्यादा ही पसंद है, रोटी के अंदर डालो ज़्यादा ही पसंद है। इसके लिए देखो मैंने कैसे डाला था, नज़दीक से दिखाया है। फिर उसके बाद मैं दोनों तरफ से पहले फोल्ड किए, फिर साइड का जो कोने रहता है ना उनसे मैं फोल्ड कर रही हूँ। फिर देखो कुछ अलग तरीके से बना रही थी मैं, वैसा गोल गोल बनाते हैं ना बच्चे नाटक करते, इसके लिए इन लोग के लिए ऐसा बना रही थी, रेक्टेंगल के हिसाब से बना रही थी। ऐसा बनाओ ना बराबर खाते हो, खाली आटा वही रहता है, सब कुछ वही रहता है, आटा आलू सब वही रहता है, सिर्फ बनाने का तरीका मतलब देखने में अलग सा लगता है, तो इसके लिए बच्चे पूरा खा लेते हैं रोटी। इसके लिए मैं ऐसा रेक्टेंगल शेप में ज़्यादा करके बना रही थी। देखिए बेल के हो गया,
फिर तवे पे मैंने तेल डाली, उसको पूरा फैला दिया इस तरफ से। फिर उसमें डाल दी मैं रोटी, गैस को मीडियम रखा है मैंने, क्योंकि मोटी आलू का परोठा मोटा है तो फिर थोड़ा पकने में टाइम जाता है। अभी उसको पलटा दी मैंने, देखिए तेल आपने आंख के ऊपर ना आ जाए, ध्यान से थोड़ा ऊपर से तेल लगा दिए। फिर उसको पलटा दी मैंने, आधा सिक गया था फिर पलटा दी, फिर उसके भी ऊपर से मैं तेल लगा दी दूसरी साइड भी। गैस कम कर रही थी, ज़्यादा में फिर जल भी जाता है। देखो फूल के कैसा हुआ है एकदम। इसी तरह से मैं दूसरी लुई ली, दूसरी लुई लेके फिर से मैं उसी तरफ से बेल रही हूँ। अगर ऐसा आज की रेसिपी सबको पसंद आई तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को। अगर पसंद नहीं आएगा तो भी डिसलाइक भी कर सकते हो, कोई बात नहीं। देखो मैं दिखा रही हूँ कितना मोटा बेला है। स्कूल का टाइम रहता है, सुबह सुबह का टाइम था, इसके लिए थोड़ा जल्दी जल्दी में थी ना मैं। देखो एक रोटी पक के तैयार हो गया। इसको मैं उलटते पलटते सेक रही हूँ एकदम गैस लो करके, देखो कैसे निकल रहे हैं अंदर से। वो फोल्ड किया था ना वही निकल रहे, फोल्ड किया हुआ निकल रहे, उसमें आलू दिख रहे हैं। देखो रोटी बन के तैयार हो गए। इसी तरह से मैंने थोड़ा तेल ज़्यादा डाल दी, रेक्टेंगल शेप में मैंने बेला है, क्योंकि बच्चों को खिलाने का तरीका एक ही रहता है, उसी गेहूँ के आटे से ही बने हैं। वो तवे पे डाल दी, इसको भी अलटते पलटते अच्छे से पका लेंगे। गैस लो मीडियम ही होना चाहिए। देखिए उसको भी पलटा दी। गैस कम ही कर रही थी बीच बीच में। देखिए ऐसा रेक्टेंगल शेप में बना दिखने लगे। अभी मैं मेरी बेटी को चाय और पराठा दे रही थी, सुबह सुबह स्कूल जाना था ना इसको, और चाय और पराठा दे दी, और मैं भी साथ में चाय पी रही थी। दो दो रोटी एक साथ डाल दी मैंने। देखो थोड़ा उसके बाद इसके पापा के लिए बना रही थी गोल गोल रोटी, वो गोल गोल बना रही थी, थोड़ा जल गए ऊपर से। बच्चों को भी सुबह सुबह तैयार करना रहता है, तैयार तो हो जाते हैं, सिर्फ बाल पिल बनाना रहता है, फिर भी नहाओ सब कुछ तो बोलना ही रहता है। बाय बाय। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर स्कूल देखना है तो कमेंट में बताना बोल रही है।